हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैजिकल मोमेंट। तो दोस्तों, आज हम जिस रियल स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं उसके ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है, द एग्जोसिज्म ऑफ एमिली रोज। 2005 में ये मूवी आई थी। उस फिल्म में उस लड़की का नाम एमिली रोज था, लेकिन रियल लाइफ में उसका पूरा नाम था एना एलिजाबेथ मिशेल। उसको सब एनिलिस कहकर बुलाते थे। एनिलिस का जन्म हुआ था 21 सितंबर 1952 में। वो एक रोमन कैथलिक लड़की थी। बाकी लड़कियों की तरह ही वो एक नॉर्मल पढ़ी लिखी दोस्तों के साथ खुश रहने वाली एक लड़की थी। एनिलिस गॉड को बहुत मानती थी। हफ्ते में 2 बार वो चर्च जाती थी। उसके मॉम और 2 डैड और उसके 3 बहनें थे। एनिलिस की लाइफ बिल्कुल ठीक चल रही थी। लेकिन एक दिन अचानक ही 16 साल की उम्र में एनिलिस की तबीयत खराब हुई। घर वालों ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने कहा एनिलिस को मिर्गी की बीमारी हो गई है। ये सब प्रॉब्लम 1968 से शुरू हुई। हर दिन एनिलिस को मिर्गी के अटैक आते थे। दिन ब दिन एनिलिस की हालत बुरी होती गई, लेकिन डॉक्टर्स कुछ नहीं कर पा रहे थे। एनिलिस की वेट कम होकर 40 to 30 kg हो गया था। खाना पीना वो ठीक से नहीं कर पा रही थी। एनिलिस खुद को ही मारने और हार्म करने लग गई थी। जानवर और सीढ़ियों को वो कच्चा ही मारकर खा जाती थी। जानवरों की तरह वो सलने फिरने लगी। खुद की आवाज से वो बात भी नहीं करती थी। अलग अलग आवाजें वो निकालती थी। जो लड़की गॉड को इतना मानती थी, अभी उसके सामने अगर कोई रिलीजियस चीज लाया जाता था तो वो चिल्लाने लगती थी। घर के लोग घर में अगर बाइबल पढ़ते थे तो वो जानवर की तरह बर्ताव करने लगती थी। उसके अंदर वो सारी आवाजें सुनाई देती थी। वो रात को सो भी नहीं पाती थी। 5 ईयर्स तक डॉक्टर्स उसकी ट्रीटमेंट करते रहे, लेकिन उसकी हालत पहले से भी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। एनिलिस के फैमिली का अभी डॉक्टर से भरोसा उठ चुका था। उन लोगों ने सर्च से मदद मांगी। तब आनिस इल नाम का एक प्रीस उनके घर आया। उन्होंने एनिलिस को देखते ही बोला उसको मिर्गी की कोई बीमारी नहीं है, उसके अंदर डीमंस है। इन सब के बाद आनिस इल ने एनिलिस पर एग्जोसिज्म करने के लिए सर्स को एक लेटर लिखा। उसके बाद 1975 सितंबर को बिशप जोसेफ स्ट्रेंगल ने आनिस इल को एनिलिस पर एग्जोसिज्म करने के लिए परमिशन दिया। 1975 को ही फादर रेंस ने एनिलिस का पहला एग्जोसिज्म किया। एग्जोसिज्म के टाइम पे एनिलिस के हाव भाव बदल जाते थे और वो अलग अलग आवाज़ों में बात करने लग जाती थी। खुद को ही मारने और सूट पोसाने वो लगती थी। अभी जो आपने वीडियो देखा वो एनिलिस की एग्जोसिज्म की रियल वीडियो थी। फादर को पता लग गया एनिलिस के ऊपर से डीमंस का कब्जा है। हफ्ते में 2 बार एनिलिस का एग्जोसिज्म किया जाता था। एक एग्जोसिज्म 7 घंटों का होता था। इतने सालों में एनिलिस पर 67 एग्जोसिज्म हुआ, 95 से लेकर 1976 तक। एग्जोसिज्म की कुछ वीडियोस आप लोग देख सकते हैं। जब वो एग्जोसिज्म चल रहा था तब की एक वॉइस रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। फादर रेंस ने एनिलिस को उस वॉइस रिकॉर्डिंग में कुछ पूछा था। जुलाई को 23 साल की उम्र में एनिलिस की मौत हुई। 16 साल की उम्र से 23 साल तक उसने ये सब टॉर्चर सहा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि डिहाइड्रेशन और कुछ ना खाने पाने की वजह से उसकी मौत हुई। एनिलिस का वेट 30 किलोग्राम से भी कम हो गया था। उसके बॉडी में बहुत सारे सोटों के निशान भी थे।
एनिलिस के मरने के बाद फादर वेंस एनिलिस के पेरेंट्स के ऊपर केस हुआ कि उन लोगों ने एनिलिस को टॉर्चर करके मार डाला। कोर्ट ने उनको 6 महीने की जेल और फाइन में डाला। एनिलिस के मरने के बाद उसकी कहानी न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर में बहुत बार आई। एनिलिस के लाइफ के ऊपर बहुत सारी बुक भी लिखी गई, यहाँ तक कि उसके ऊपर 2005 में द एग्जोसिज्म ऑफ इमिली रोज नाम की एक फिल्म भी आई। उस फिल्म की भी कहानी मैं आप लोगों के सामने जल्दी ही लाऊंगी। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरा ये एक्सप्रेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और प्लीज़ भर भर के शेयर कीजिए, सबको शेयर कीजिए ताकि मेरा चैनल थोड़ा सा आगे बढ़े। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।